आपके साथ अंजलि राजपूत। यूपी के संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे पर जबरन जमीन कब्जा करने पर आरोप लगे हैं। पीड़ित जाफर अली ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए कार्यवाही की मांग की है और इस पर जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारा जमीन जो है दलाल लोग कब्जा करके बेच दिए हैं और वो लोग हमसे लड़ रहे हैं जो खरीदे, समझा जा रहा है। जमीन हमारा है, कल थाना दिवस था, थाना दिवस में आए मिराज ने कहा कि जय चौबे जी जो पूर्व विधायक थे उन्होंने हम लोग को बांट के दिया है। हमने कहा मेरी जमीन को वो कैसे बांट के दे सकते हैं, मेरी जमीन का मालिक वो थोड़ी, मेरी जमीन का मालिक मैं हूँ। उन्होंने प्लाटिंग किया था अपना, बेच बाज के चले आए। दरअसल कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मगहर में स्थित शिकायतकर्ता जाफर अली की लगभग 11 बीघे खाली जमीन पड़ी हुई है। इस जमीन पर पूर्व विधायक जय चौबे के द्वारा कब्जा करने की नियत से अपने गुंडों के साथ पहुंचे, जहां जमकर उन्होंने तांडव मचाया और इस पर जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी मकबूल हसन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम आए हुए हैं शाहिद अली के कहा नाम पक्ष में आए हुए, उनके कहना समर्थन में आए हुए कि जमीन का मामला है जो काना भूख माफिया लोग पूरा कब्जा कर चुके हैं। जय चौबे के आदमी हैं, हरदम 10-20 आदमियों के साथ आते हैं, 10-20 गाड़ियां लेके आते हैं, ईटा पत्थर चलाते हैं, गोलियों से मारने की बात करते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे डराया धमकाया गया और लोगों के द्वारा हर्ष फायरिंग भी की गई। कोतवाली पुलिस से शिकायत कर कानूनी कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है और मामले की SDM ने सदर रमेश चंद्र ने कहा कि शिकायत आने पर तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए SDM रमेश चंद्र ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मगहर में अभी 2 दिन पहले जो है एक भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद की शिकायत आई थी और उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन में कब्जा किया जा रहा है। हालांकि वो बड़ा नंबर है और उसका अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है और शिकायत आने पर हमने तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया है जिसमें हमारे 4-5 राजस्व के स्टाफ हैं और वो मौके पर जाके और संबंधित पक्षों से अभिलेख ले करके और उसका पूरा तैयार कर रहे हैं, उसकी जांच जो है और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट वो सौंपेंगे, उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उसमें कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है। तो ये थी संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जमीन के साथ।